यूपू मजा आ रहा है? हाँ। कैसा लग रहा है सी? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। ऑल राइट, तो हम निकले हैं अब उदयपुर से। पहले प्लान था हमारा अहमदाबाद जाने का, बट चुके आज हम टाइम से निकल गए हैं तो हमने सोचा थोड़ा और आगे तक चलते हैं रादर देन वी आर गोइंग टू अहमदाबाद। नाउ वी आर स्टॉपिंग टू सूरत, तो अब हम जा रहे हैं सूरत, तो सूरत में रुकेंगे। अभी रास्ते में रुके, यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सी हमें झील दिखी है, बीच में पहाड़ हैं और रोड बहुत अच्छी है। पीछे अगर आप देखो मेरे देखो प्रॉपर रोड है हमारी, जो कि काफ़ी अच्छी रोड बनी हुई है और ये एक अच्छा सा व्यू है। सो आई थॉट रुक के आपको एक बार दिखाया जाए ये वाला व्यू। वेलकम टू सूरत स्मार्ट सिटी। आज हम आए हैं इंडियाज थर्ड मोस्ट हॉन्टेड बीच, इनफैक्ट इंडियाज थर्ड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, ये है डमास बीच। दिस इज इन गुजरात सूरत, तो ये सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है, बाकी सब तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे। लेकिन बीच के नाम पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या है क्या, बस पानी नहीं है, बाकी सब ठीक है। अच्छा, हॉन्टेड की भी एक इसकी स्टोरी है, वाई दिस इज कॉल्ड हॉन्टेड इज क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्रिमिनेट किया गया था। तो इनफैक्ट यहाँ की बीच है वो, जो यहाँ का सैंड है वो भी यहाँ का ब्लैक सैंड और बीच सैंड मिलके है, तो इट इज़ ग्रेश ब्लैकिश, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है यहाँ का डमास बीच। अब इसमें पानी ढूंढ सको तो ढूंढ लो, दूर दूर तक कहीं पानी का कोई निशान नहीं है, हर तरफ बस ये काली ग्रेश सैंड सी ही है। डमास का जो बीच था, जो कि इनफैक्ट नॉट सो बीच था विदाउट वाटर, तो वो देखने के बाद में अब हम चल पड़े हैं आमची मुंबई के लिए। अभी गुजरात क्रॉस कर रहे हैं बट अब फाइनली लगने लगा है कि मुंबई अब पास में ही है। दो दिन की जर्नी हो गई है बट मजेदार रही है अभी तक। बने रहिए अब आगे की जर्नी में साथ में, एंड लेट्स सी हाउ द मुंबई वेलकम्स अस। हम पहुंच गए हैं फाइनली मुंबई। ये है मुंबई का फेमस सी लिंक, इट इज़ अमेजिंग ब्यूटीफुल। मैं जितनी बार भी यहाँ आता हूँ उतनी बार ये मुझको पहले से भी ज़्यादा मेसमराइजिंग लगता है, इट इज़ अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो अभी हम सबसे पहले जाके होटल में चेक इन करेंगे, होटल आपको दिखाते हैं, लेट्स गो। तो हम लोगों ने होटल लिया है बिल्कुल जू बीच के ऊपर, अभी थोड़े दिन आपको बीच का भी दिखाते हैं। दिस शुड वर्क, लेट्स सी हाउ आवर रूम लुक्स लाइक। तो हम लोगों ने स्वीट बुक किया है यहाँ पे, एंड दिस इज हाउ द मुंबई, लगेज पहले ही आ गया है। दिस इज हाउ द स्वीट ऑफ मुंबई लुक लाइक। दिल्ली स्टैंडर्ड पे ये बिल्कुल भी स्वीट कहलाने लायक नहीं है, बट मुंबई के लिए ये स्वीट है। लेट्स चेक आउट द बाथरूम। ओके, बिकॉज इट इज स्वीट तो यहाँ पे हमें अच्छा सा जकूजी दिया गया है, साथ में टीवी दिया गया है, एंड ये हमारा यहाँ पे बाथरूम है जिसमें कि स्टीम भी दी गई है और ये बहुत पुराने जमाने का हेयर ड्रायर यहाँ पे दिया हुआ है। लेट्स जस्ट चेक इट आउट कि स्टीम और ये आई एम श्योर जकूजी वगैरह दे शुड वर्क। और लाइक, तो थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं और फिर चलते हैं बीच पे और फिर बीच का व्यू भी आपको दिखाते हैं। बाहर का व्यू दिस, वेलकम टू जुहू बीच। यहाँ मेरी आवाज़ आपको प्रॉब्लम के साथ आएगी क्योंकि यहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ है और सी भी थोड़ा वाइल्ड हो रहा है, बट व्हाट एन अमेजिंग व्यू, व्हाट एन एब्सोल्युटली मेसमराइजिंग अमेजिंग व्यू। दिस इज मुंबई बीच।
हम लोग बड़े एक्साइटेड हैं दिल्ली वाले समुंदर को देख के। आई एम श्योर यहाँ के जो लोकल मुंबई वाले लोग होंगे उनको तो क्या ही इसका फर्क पड़ता होगा, डेली की आदत होगी। बट भैया हम जो लैंड वाले लोग हैं दिल्ली वाली साइड के, जहाँ से सी कोई भी सी बहुत दूर है, उनके लिए बहुत स्पेशल चीज़ है। एंड स्पेशली ये जो यहाँ पे आता है व्यू, जो साउंड, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। सो इट इज़ एब्सोल्युटली अल्टीमेट। ये बीच काफ़ी हद तक क्लीन भी है इन कंपैरिजन टू बाकी और बीचेस के। तो क्लीनलीनेस तो खैर हमारे हाथ में है, हमें सारी चीज़ें क्लीन रखनी चाहिए। एंड स्पेशली जो नेचुरल बॉडीज हैं उनको तो क्लीन रखें। हम लोग अक्सर होते हैं दिल्ली वाले ही मोस्टली बाहर जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, वहाँ गंदगी करते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स डालते हैं। तो प्लीज़ यार ये सब नहीं किया करो, हमारी नेचर है, हमारा ही अर्थ है, वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। अच्छी बात यह है कि जुहू बीच पे एटलीस्ट ये काफ़ी क्लीन है, एंड आई जस्ट विश कैसे हम लोग इसको क्लीन रखें। अब ये देखो एक मज़ेदार व्यू, ये बच्चे हैं, दो तीन चार बच्चे हैं और एक ये आंटी हैं। अब ये आंटी जो है बच्चों को बार बार लेके आती है सी में से उठा के, और बच्चे जैसे ही एक दो को लेके आती है उनमें से तीसरा या चौथा जो है वापस सी में चला जाता है। अब इनकी बॉटल से पिटाई भी हो रही है और बच्चे सी से बाहर आने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, और आंटी लगी पड़ी है उनको बाहर लेके आने के लिए। ये हम आए हैं मुंबई की फेमस, इनफैक्ट पूरी इंडिया की फेमस हाजी अली की दरगाह। इस दरगाह की कमाल की बात यह है कि दोनों तरफ समुंदर है और बीच में से ये रास्ता जाता है। इनफैक्ट ये शाम होने पे जब हाई टाइड्स हो जाती है तो रास्ता कट ऑफ हो जाता है, और जो दरगाह में होता है वो दरगाह में रह जाता है और जो बाहर होता है वो बाहर ही रह जाता है। जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स हैं वो सब लोगों की हैं, लेकिन रिलीजियस सेंटीमेंट के अलावा कुदरत का करिश्मा है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। दोनों साइड में आप देखेंगे समुंदर, एक साइड ये सिटी है और सिटी के समुंदर के बीच में ये सामने जो दरगाह देख रहे हैं ये दरगाह आती है, और इस तरफ देखेंगे आप तो पीछे तक समुंदर। मुंबई आओ और वड़ा पाव ना खाओ, ये क्राइम है, दिस इज क्राइम। तो हम हैं अभी भगवान कलेक्शन में, लेडीज़ की शॉपिंग ना हो तो कोई भी चीज़ कंप्लीट हो कैसे सकती है। तो भगवान कलेक्शन में यहाँ पे बहुत बड़ी वैरायटी है सूट्स की। आप देखो पूरे पीछे तक सूट से सूट, जहाँ तक आप देखोगे सारे आपको सूट से सूट नज़र आएंगे। तो मैं और यूफू हो गए हैं बोर, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी लेडीज़ शॉपिंग है तो हम कर रहे हैं वाटर बॉटल से फाइट। यूफू कम ऑन, हेलो बॉस, आज हम लोग लाते हैं और हम सुनने जा रहे हैं बाय। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया, और हम जा रहे हैं अब ये पीपोर्ट में बैठने। और यहाँ के जो फेमस रेस्टोरेंट बड़े मियां है वो मेरे स्कूल फ्रेंड का है, तो हम लोग उनकी वजह से डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं, नॉर्मल एंट्री है यहाँ की, और हम लोग आए हैं यहाँ से कर्टेसी बड़े मियां रेस्टोरेंट। सो थैंक यू फेमस गेटवे ऑफ इंडिया। और ये इसके सामने ताज, और ताज के जस्ट सामने हैं बड़े मियाँ। तो अगर आप मुंबई आओ तो बड़े मियाँ ज़रूर ज़रूर जाना, एंड डू लेट मी नो। ये बिल्कुल मेरे स्कूल फ्रेंड का है, सो डू लेट मी नो इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प। अब हम जा रहे हैं सामने फोर्ट में, बट अगेन कर्टेसी बड़े मियाँ, हमारी होगी डायरेक्ट एंट्री, थोड़ा सा गलत है बट या ठीक है। अम्मा नहीं गए, मम्मा चले गए। अम्मा भी आ रही हैं, कहीं नहीं गई दादा, अभी आ रही हैं। जाना रहता है ये सब जगहों पे। मम्मा
पानी में चली गई। नहीं नहीं पानी में नहीं गई। ये फेमस बड़े मियां फूड जॉइंट पे, बड़े मियां यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस फूड जॉइंट्स है। जैसे दिल्ली में हमारे यहाँ पे करीम का क्रेज है लोगों को, वैसे ही यहाँ पे बड़े मियां का क्रेज है जो यहाँ पे 1946 है। तो अब हम हैं मुंबई मरीन ड्राइव, जिसको क्वींस नेकलेस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं ये एक नेकलेस का व्यू देती हैं, तो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। नॉर्मली लोग शाम में बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे, एक तरफ समुंदर। तो अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट। टेक केयर।